So hello guys, welcome back to the another video. So ये video है इंडिया से वियतनाम तक के ट्रैवलिंग का. इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल में जाके देख सकते हैं. So hello guys, मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली से विशाखापट्टनम में. तो ये विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट है. सो अब मैं अपना सामान लेने के लिए जा रहा हूँ. मेरा एक ट्रॉली बैग और एक छोटा सा बैग है, तो मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ. सो गाइस, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं अपना दिल्ली से विशाखापट्टनम आ रहा था, तो मैं अपना सामान जैसे मैंने रखा, तो वहाँ पर एक दो मुझे प्रॉब्लम आई. उसके बाद जब मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाया, तो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाया, तो वहाँ भी मुझे प्रॉब्लम आई. सो ये सब प्रॉब्लम से मैं निकल पाया हूँ, मैं निकल चुका हूँ. तो ये सब प्रॉब्लम क्या थी और उसका सलूशन क्या था, वो सब मैं आगे डिस्कस करूँगा. तो वीडियो को आप पूरी तरह देखिएगा. सो ये है विशाखापट्टनम का पूरा एरिया. ये सारा एरिया विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट है. सो मेरी कुछ टाइम के बाद मेरी फ़्लाइट है. सो मैं वेट करूँगा उसके फ्लाइट के लिए. सो मेरी टिकट ये रही विशाखापट्टनम टू सिंगापुर. तो मैं यहाँ से सिंगापुर जाऊँगा. सो अब फ्लाइट मेरी आ चुकी है. सो ये मैं जा रहा हूँ. फ्लाइट के अंदर का रास्ता है ये. तो मैं फ़्लाइट के अंदर एंटर कर चुका हूँ. सो हमारा इंतज़ार कर रही थी ये एयर होस्टेस येलो ड्रेस में, जो अभी सारी खाली है. सो उस टाइम के बाद हमारा प्लेन जो है आसमान की तरफ उड़ चुका है. सो ये नीले नीले आसमान. सो थोड़ी देर के बाद हम लैंड करेंगे. सो अब हमारा लैंडिंग का टाइम आ गया है. सो हमारा प्लेन अब लैंड करेगा सिंगापुर. सो फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके सिंगापुर के एयरपोर्ट में. मैंने सुना है यहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का एयरपोर्ट कैसा है. सो अब हम अपना सामान लेके उतरेंगे फ्लाइट से. ये हमारी एयर होस्टेस थी येलो और ब्लैक ड्रेस में. एयर होस्टेस काफ़ी पोलाइट होती हैं सभी के लिए, सभी पैसेंजर के लिए, सभी पैसेंजर का ध्यान रखती हैं. सो ये अब धीरे धीरे सभी पैसेंजर उतर चुके हैं. अब मैं भी धीरे धीरे जा रहा हूँ. सो हेलो गाइस, ये रहा हमारा ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है. सो मेरी अभी 4-5 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट है यहाँ से हानोई की तरफ. तो यहाँ से मैं हानोई के लिए वेट करूँगा, हानोई की फ़्लाइट का वेट करूँगा. और हमको यहाँ से पूरा सिंगापुर तो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको ये एयरपोर्ट हम पूरा दिखा सकते हैं. सो ये रहा यहाँ का एयरपोर्ट. अंदर से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं, शोरूम वगैरह है, घूमने की काफ़ी चीज़ें हैं, देखने लायक काफ़ी चीज़ें हैं. सो यहाँ पर बहुत से पैसेंजर वगैरह भी आए हुए हैं, हर जगह से मेरे को देखने को मिले हैं, अब्रॉड के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, काफ़ी जगह से, कोरिया से भी कुछ लोग थे. सो यहाँ से मैं जा रहा हूँ. अब इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं. जो ऊपर की तरफ जाता है मॉल वगैरह में, लिफ्ट जो सीढ़ी की तरह होती है, उसको तो लिफ्ट बोलते हैं. अब इसे क्या कहते हैं वो नहीं पता. सो मैं यहाँ से जा रहा हूँ. मैं अपना गेट ढूँढ रहा हूँ, जिस गेट से मुझे एंटर करना है अपने प्लेन के लिए. सो मैं उसके लिए जा रहा हूँ, लोगों से पूछता. तो ये है हमारा सिंगापुर का एयरपोर्ट. सिंगापुर में आज सुबह बारिश हो गई.
हमको फ्लाइट से आए हैं पता तो नहीं चला, लेकिन अब यहाँ लग रहा है बारिश हुई है। सो दिस इज सिंगापुर का एयरपोर्ट। सो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ फ्लाइट का टाइम होने का। सो ये जो फ्लाइट है इसी फ्लाइट में हम जाएंगे हनोई में। सो हनोई सिटी में यही हमको लेके जाएगा। सो हम वेट कर रहे हैं। सो ये रही मेरी सिंगापुर से हनोई की टिकट। सो हम एंटर कर चुके हैं अपने प्लेन के अंदर। सो अभी लोग आ रहे हैं, मैं पहले ही आ चुका हूँ यहाँ। आज काफ़ी सीटें खाली हैं। सो ये मैं बैठ चुका हूँ। हेलो, सो मैं अपनी सीट ले चुका हूँ। और ये पीछे मेरे कुछ फिरंगी कुछ अब्रॉड के पैसेंजर अपनी सीट ढूंढ रहे हैं। सो जैसे कि मैंने कहा था काफ़ी सीटें खाली हैं। तो आधी रात को मैंने देखा कि बहुत सी सीटें खाली है, तो मुझे लगा कि फैल जाना चाहिए। जहाँ सीट देखी वहाँ हम फैल गए, जहाँ जगह देखी वहाँ हम फैल गए। सो अब आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। सो अभी कुछ टाइम के बाद फ्लाइट लैंड होने वाली है और हम उतर रहे हैं अब यहाँ से। सो गाइस, फाइनली मैं वियतनाम कंट्री में एंटर हो चुका हूँ। अभी अभी मैं फ़्लाइट से उतरा हूँ और अपना सामान लेने जा रहा हूँ। इस जगह का नाम है हनोई। ये वियतनाम की राजधानी है, कैपिटल है वियतनाम की। सो अब मुझे यहाँ से एक सिटी है हुई सिटी, वहाँ के लिए एक और फ़्लाइट लेनी है। सो गाइस, अब मुझे अपना वीज़ा यहाँ से लगवाना है अपने पासपोर्ट पे। ये लाइन उसी की लगी है। सो गाइस, ये रहा मेरा वीज़ा, यहाँ मेरा पासपोर्ट पे वीज़ा लग चुका है। सो मैं अब इंडिया से जो मैं डॉलर कन्वर्ट करा के लाया था, तो उसको अब वियतनामीज़ करेंसी में मुझे कन्वर्ट कराना पड़ेगा। सो ये रहे कुछ वियतनामी करेंसी जो यहाँ पर मुझे हेल्प करेगा यहाँ के खर्चे के लिए। अब मुझे यहाँ से जाना है डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सिटी हुई सिटी के लिए नहीं मिलती है। सो ये रहा मेरा टिकट हनोई से हुई सिटी के लिए। सो यहाँ से मैं अब जाऊँगा हुई सिटी की तरफ। सो फ्लाइट टाइम से आ गई थी, अब मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ। सो अब हमारा फ्लाइट आसमान में उड़ चुका है। यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता है। सो 2 घंटे के बाद हमारा फ्लाइट जो है लैंड करेगा। उसके बाद मैं आगे वी सिटी में एंटर हो जाऊँगा। सो मिलते हैं वी सिटी में। सो हेलो, फाइनली 4 फ्लाइट बदलने के बाद मैं अपने सिटी में पहुंच गया हूं जहां पर मुझे पहुंचना था। 4 फ्लाइट मैंने पूरे साल की जो फ्लाइट की जर्नी है उन्होंने मैंने 2 दिन में पूरा कर लिया है। बहुत ही थक गया हूं मैं। अब मैं कैब का इंतज़ार कर रहा हूं, जहां वही कैब से मैं जाऊंगा जहां पर मुझे जाना है। सो मुझे मेरी कैब मिल चुकी है। अब मैं यहाँ से अपना फ्रेंड छत्तीसगढ़ के योगा टीचर हैं सत्यम जी, उनके पास जाऊंगा। सो दोस्तों, मैंने वीडियो में कहा था कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई है और उसका सलूशन क्या क्या निकला है मैं आपको बताना था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं उसकी वीडियो जो मुझे प्रॉब्लम आई है, फ़्लाइट में प्रॉब्लम आई है, वीज़ा में प्रॉब्लम आई है, अपना सामान रखते वक्त जो प्रॉब्लम आई है, वो सब का सलूशन कैसे कैसे निकला है, ये सब के मैं डिटेल वीडियो, इंफॉर्मेटिव डिटेल वीडियो पर बनाऊँगा। उसके लिए आप सभी को थोड़ा सा वेट करना होगा। सो सॉरी इसके लिए। जो आप सभी, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, तो आप सभी का बिल्कुल दिल से शुक्रिया है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।